चुनाव में मोदी सरकार की जीत के लिए बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला वाराणसी की गलियों में, जहां मुंबई के कई बीजेपी नेता पहुंचे और गली गली घूमकर प्रचार करते नजर आए। दक्षिण मध्य मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय और बीजेपी अनुशती नगर तालुका अध्यक्ष पंकज सुराना सहित कई बीजेपी नेताओं को वाराणसी की गलियों में घूमकर मोदी के प्रचार में नारे लगाते देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, ठीक है, ठीक है, मोदी जी, मोदी जी सर, ठीक है ना, धन्यवाद। मोदी घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी, पार्टी वाली बात बिल्कुल सही चार चार देखिए चार सारा सही सारे हमारे भाई हमारा। मेरा नाम अनिल गजानन ठाकुर। अनिल जी, महाराष्ट्र से आप लोग कितने लोग आए हैं और क्या वजह है वाराणसी आने की? हम तो मेरे साथ में एक 10-15 की टीम आई है कार्यकर्ताओं की, और यहाँ पर वाराणसी में स्वयं पंतप्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हुआ है और अभी यहाँ का इलेक्शन 19 तारीख को होने जा रहा है। हमारे मन में एक दिल में एक बात थी कि हम तो सांसद के लिए काम कर चुके हैं, हमारे महाराष्ट्र में सांसद चुन के दे रहे हैं हम महाराष्ट्र से, लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को चुनने का सौभाग्य इस वाराणसी के या लोगों को प्राप्त हुआ है, तो वहाँ जाकर इस चुनाव में उनका सहयोग करें। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश भर से लोगों को एक आशीर्वाद है, तो हम भी उसमें थोड़ा आशीर्वाद दें और उनके साथ में मिलजुल कर उनकी विजय में हमारा योगदान दे। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है मोदी जी की विपरीत है या आप पॉजिटिव हैं? नहीं नहीं, मोदी जी की स्थिति तो बहुत ही पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम विकास को लेकर काम कर रहे हैं, बाकी के तो विचार चलते रहते हैं, लेकिन मोदी जी की स्थिति से ज़्यादा हमको मोदी जी को ऐसा एक यहाँ से एक मैसेज देना है पूरे विश्व को या देश को कि विकास क्या होता है, ये मोदी जी ने वाराणसी से दिया हुआ है। क्या करेंगे वाराणसी आगे, आपको कितने दिन रहेंगे यहाँ, क्या करने हैं? हमारे यहाँ पे एक कुछ लोग महाराष्ट्र से पेशवाई काल से उनके साथ में यहाँ आकर बसे हुए हैं, तो उनका मिलना जुलना होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर महाराष्ट्रियन बसे हुए हैं, तो उनके साथ बातचीत होती है, उनको सहयोग करने के लिए हम बात करते हैं उनसे। और आज सच में अच्छा लगा कि इस वाराणसी में जब मैं सुबह से घूम रहा हूँ ये 2 दिन से, तो काफ़ी लोगों में उत्साह दिखा और यहाँ से कुछ सीखने को हमको मिला कि वाराणसी में जो विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो विकास पूरे देश में होने की आवश्यकता है और उसके लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने की आवश्यकता। पंकज सुराना। पंकज जी, कहाँ से आप आए हैं और वाराणसी आने का क्या वजह है? देश की आर्थिक राजधानी जिसे हम कहते हैं मुंबई शहर, गए 19 तारीख को मुंबई शहर का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होते ही हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल ठाकुर जी का आदेश आया कि अब हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने देश के सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में वाराणसी जाना है। उनके आदेश का पालन करते हुए लगभग मध्य दक्षिण जिला भारतीय जनता पार्टी मुंबई से 15 से 20 कार्यकर्ताओं की फौज एक सैनिक के रूप में वाराणसी में आई है और गए 2 दिनों से पूरे वाराणसी में हर गली में नुक्कड़ नाकों पर हम जा रहे हैं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, और एक अलग सा माहौल, जैसे हम 19 तारीख को मुंबई का चुनाव संपन्न किया और मुंबई में गत 20 दिनों तक हमने प्रचार किया,
मुंबई से भी बढ़ चढ़कर जो उत्साह लोगों का वाराणसी में दिख रहा है, उससे एक अंदाजा तो गए दो दिनों में हमको आया कि मोदी जी की इस बार जो जीत है लगभग 10 लाख वोटों से भी ऊपर होने का अंदाजा हम कार्यकर्ताओं के यहाँ पर आने के बाद महसूस हुआ। उसका कारण मात्र एक है कि जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश में विकास की गंगा बहाई है और सांसद के रूप में वाराणसी में जो उन्होंने विकास का प्लान लाया है, उस प्लान को देखकर वाराणसी का आम मतदाता मोदी जी के काम को देखकर उत्सुक है कि वाराणसी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक नंबर का वाराणसी होकर उभरेगा मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार इस देश में, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए वाराणसी, हम वोट मांगने के लिए आए हैं, हमारा काम सैनिक के रूप में हम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो विकास किया है गत 5 सालों में वो हर एक मतदाताओं के घर में जाकर बता रहे हैं जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में।